मैंने देखा कि कुछ बरेली हजरात जो है वो उल्लू माँ उल्लू माँ उल्लू माँ बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, वो इस उल्लू माँ कहकर अपने वालिदैन में से किसी एक को उल्लू बोल रहे हैं या उनका माना क्या है। लेकिन फिर मैंने इस बात की तहकीक करना शुरू करी कि आखिर इन लोगों को उल्लू से इतनी मोहब्बत क्यों है और ये हर वक्त उल्लू 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 क्यों चिल्लाते रहते हैं। फिर तहकीक करते करते मैं इनके बड़े अहमद रजा खान साहब पर पहुंचा। जब मैं अहमद रजा खान साहब पर पहुंचा, मैंने उनकी किताब फतावा रिजविया पढ़ी तो मेरे सामने सारे राज खुल गए। मैंने देखा कि यहाँ इनके बड़े तो इनसे ज्यादा उल्लू से मोहब्बत करने वाले हैं और उन्होंने उल्लू की मोहब्बत में उल्लू को खाना ही हलाल लिखा है, उल्लू को खाना ही हलाल लिखा है। अब फतावा रिजविया जिल्द नंबर 20 पेज नंबर 312 और 313 पर आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि गुररुल अफकार में है कि हमारे नजदीक बूम, यानी बूम फारसी का लफ्ज है और उसका उर्दू में तर्जुमा उल्लू होता है, कि हमारे नजदीक उल्लू खाना क्या है, हलाल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे परिंदे हैं जिसमें जरजूर सलसल हुदहुद और बूम नामी परिंदे क्या है, खाना हलाल है। तो जब इनके बड़ों को ही उल्लू इतने पसंद है तो जाहिर सी बात है कि इनके छोटों को भी क्या है, उल्लू बहुत ज्यादा पसंद होंगे। और ताजुब की बात यह है कि जब इनकी बात इनकी किताब से बताई जा रही है तो इनको न जाने मिर्ची को लगे। आपने ये बात तो सुनी होगी कि वहाबी लोग किस किस्म के झूठे और मक्कार मुनाफिक होते हैं, लेकिन देवबंद वालों को पढ़ना भी नहीं आता। इसकी मिसाल इस भाई ने इस वीडियो के अंदर दे दी। एतराज़ यह है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यह कहा कि उल्लू खाना जो है वो हलाल है। अब ये बंदे ने कितनी कोशिश करी, इसके अंदर तहकीक करी, जैसे इसने हज़ारों किताबें खंगाली हो तहकीक के नाम पर, और गोया इसने करा कुछ भी नहीं। कहीं से इसको ये रेफरेंस मिल गया तो इसने इसको कोट कर दिया और कहा ये कि ये इसने तहकीक करी, हालांकि इसने कोई तहकीक नहीं करी और फतावा रिजविया इसके पास शायद होगी भी नहीं, इसीलिए इसने ऑनलाइन चेक करा और लोगों के अंदर ये बयान कर दिया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रिजविया के अंदर उल्लू खाना हलाल लिखा है। अब इस भाई ने जब तहकीक करके किताब को वापस रखा तो मैंने फतावा रिजविया को फिर से खोल दिया और उसके अंदर देखा कि जो रेफरेंस इसने दिखाया है कि आला हज़रत ने फतावा रिजविया के अंदर लिखा है कि उल्लू खाना हराम है हलाल है, असल में वो आला हज़रत ने नहीं लिखा बल्कि साइल ने सवाल पूछने के लिए अपने सवाल में ये चीज़ लिखी थी, क्या उल्लू खाना हलाल है। और उसने मिसाल के तौर पे दो किताबों का रेफरेंस दिया था, एक फतावा शामी का और एक फतावा आलमगिरी का, और साहिल ने वो किताब का रेफरेंस अपने सवाल में दिया था कि फतावा शामी के अंदर लिखा है कि हमारे नज़दीक उल्लू खाना हलाल है और फतावा आलमगिरी के अंदर भी लिखा है उल्लू खाना हलाल है, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। यानी ये लाइन बतौर सवाल साहिल ने पेश की थी और आला हज़रत ने नहीं लिखा था बल्कि सवाल करने वाले ने बताया कि ये फतावा शामी में लिखा है जो हनफी फिक की किताब है और फतावा आलमगिरी में लिखा है, क्या ये मसला सही है या नहीं। तो इन्होंने उस सवाल को साहिल के आला हज़रत के जवाब पर फिट कर दिया कि आला हज़रत ने ये कहा कि कौवा खाना हलाल है, जबकि ये साहिल का सवाल था। जवाब जो है वो उसके नीचे से शुरू हुआ और आला हज़रत ने उस जवाब की तहकीक में सबसे पहले बात ये लिखी कि ये जो आपने कहा कि फतावा आलमगिरी के अंदर कौवा उल्लू खाना हलाल है, ये फतावा आलमगिरी में इस तरह नहीं लिखा बल्कि इस तरह लिखा है कि बाज़ के नज़दीक हलाल है। यानी बाज़ उलमा या कुछ उलमा ऐसा कहते हैं कि कौवा खाना जो है वो हलाल है। ये वो सफ़ा है और उस बंदे ने जहाँ से पढ़ के बताया है ये वो लाइन है कि हमारे नज़दीक जो है वो कौवा खाना हलाल है। अब आप इसको ये देखें कि साहिल ने जहाँ सवाल किया था वो मसला ये है, यानी यहाँ से ये साहिल ने सवाल लिखा है पूरा ये, और इसका जवाब शुरू हो रहा है नीचे से, यानी आला हज़रत का जवाब शुरू हो रहा है नीचे से और ये ऊपर, ये सब साहिल ने सवाल लिख के किताबों के रेफरेंस लिखे हैं। यानी उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो चीज़ लिखी है कि हमारे नज़दीक उल्लू खाना ये हलाल है, ये आला हज़रत ने नहीं बल्कि सवाल करने वाले ने सवाल में लिखा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जवाब यहाँ से है नीचे से, और इन्होंने आला हज़रत ने पूरी दलील के साथ और तहकीक के साथ तकरीबन 3.5 से 3.5 सफ़े के ऊपर ये पूरा जवाब जो है वो तहरीर किया है। यानी इस बंदे ने जो लाइन पढ़ी ना उल्लू खाना हलाल है, इसका जवाब आला हज़रत ने 3.5 पेज में लिखा है और इस बंदे ने वो 3.5 पेज पढ़े नहीं।
और आला हजरत ने उस जवाब में ये लिखा है कि उल्लू खाना जो है वो हराम है। और तहकीक में आला हजरत ने फरमाया कि ये जो बाज़ उलमा का कौल है, मतलब जो फतावा आलमगिरी में है कि बाज़ के नज़दीक हलाल है, ये बाज़ के नज़दीक है, लेकिन मुत्तफ़क़ राय ये है कि उल्लू खाना जो है वो हलाल नहीं है, हराम है। यानी आला हजरत ने इसको हराम लिखा है, लेकिन ये अपनी जहालत से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर झूठ बांध रहा है, जैसा कि इनके बड़े भी करते आए हैं, इनके अकाबिर भी करते आए हैं, और ये इसने लोगों के अंदर जो है वो खयानत से काम लेकर लोगों में गलत मसला बयान किया। आला हजरत ने फरमाया कि हमारे लिए तो हदीस पाक काफ़ी है जिसमें हुजूर पाक ने फरमाया कि जो परिंदे पंजों से शिकार करते हैं उनका खाना जायज़ नहीं है, और उल्लू पंजों से शिकार करता है। आला हजरत फरमाते हैं कि तहकीक ये है कि इसके पंजे और नाखून तो दूसरे परिंदों से भी ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक हैं, और शिकार करने वाले सही अकीदा बाशरा सुन्नी लोगों ने भी मुझे ख़बर दी कि उल्लू जो है वो परिंदा पंजों में शिकार करके खाता है। यानी आला हजरत ने कहा कि ये तो जाहिर भी है हमारे उर्फ में कि उल्लू पंजों से शिकार करके खाता है, और मेरी तहकीक में कई लोगों ने जो बाशरा सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ ये पंजों से शिकार करके खाता है, और हदीस पाक के अंदर है कि पंजों से जो शिकार करके खाते हैं पंजे वाले परिंदे, वो जो है वो उनका खाना जो है वो हलाल नहीं है। तो लिहाजा आला हजरत ने इसको जो है वो फतावा रजविया के अंदर हराम लिखा है, हलाल नहीं लिखा। अब रहा ये कि फतावा आलमगिरी फतावा शामी के अंदर जो हलाल लिखा है, तो इसके अंदर उलमा का बाज़ उलमा ने इसकी तहकीक में ये समझा कि उल्लू जो है वो पंजों से शिकार नहीं करता, बल्कि जिस तरह तोता वगैरह फल खाता है उस तरीके से ये खाता है। तो उनकी तहकीक के हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि वो खाना हराम है, लेकिन आला हजरत ने कहा कि वो बाज़ का कौल है और सही ये है कि इसका खाना जो है वो हलाल नहीं है। और उसके अंदर आला हजरत ने फिर वो हदीस पाक नकल की, और एक किताब का हवाला और आला हजरत ने दिया है, फरमाया कि ये किताब जो है वो इस मसले के लिए मोतबर नहीं है कि जिसके अंदर जानवर वगैरह की तहकीक हो, लेकिन आला हजरत ने फतावा रजविया के अंदर कौए को उल्लू को खाना और कौए को खाना दोनों को हराम लिखा है। एक और जगह सफ़ा नंबर 320 पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से फिर से एक सवाल हुआ, क्या कौआ और उल्लू खाना हलाल है? तो इसका जवाब आला हजरत ने सिर्फ एक लाइन में लिखा, और उसके अंदर ये लिखा है उल्लू खाना हराम है। आप ये सवाल देखें, जवाब देखें, ये इसी किताब के अंदर आगे 300 पेज, यानी इस भाई ने दो रेफरेंस दिए कि 313 और 315 पेज पे आला हजरत ने लिखा उल्लू खाना हराम है, हलाल है, जबकि वहाँ हलाल नहीं लिखा। और सफ़ा नंबर 320 फतावा रजविया पे कौआ और उल्लू खाना क्या हलाल है, तो आला हजरत ने दोनों को हराम लिखा है, कि कौआ खाना भी हराम है और उल्लू खाना भी हराम है। उसके बाद मैंने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट भी खोल दी तहकीक में, तो उसके अंदर जब ये फतवा आया सामने, क्या साल ने सवाल पूछा क्या उल्लू खाना, स्क्रीन पे आपको ये दिख जाएगा, क्या उल्लू खाना हलाल है और क्या इसको खाया जा सकता है, तो इसके जवाब में भी दारुल उलूम देवबंद वाले मुफ्ती ने ये जवाब लिखा कि बाज़ किताबों में, और उसने दो किताबों की मिसाल लिखी, फतावा शामी और फतावा आलमगिरी, के बाज़ किताबों में ये जुजिया मिलता है, यानी ये पार्ट मिलता है कि उल्लू खाना हलाल है बाज़ किताबों में, जिसमें से एक फतावा आलमगिरी और एक फतावा शामी है कि जिसके अंदर ये जुज मिलता है कि उल्लू खाना हलाल है, लेकिन सही ये है कि उल्लू खाना हराम है। अब सवाल ये है कि जिस तरह इनके मुफ्ती ने ये लिखा है ना कि फतावा आलमगिरी और फतावा शामी में लिखा हुआ है कि उल्लू खाना जायज़ है, क्या ये जायज़ है, साहिल ने भी आला हजरत से सवाल करते हुए इसी दो किताबों का हवाला दिया था, और उसने उस किताब का रेफरेंस के तौर पर वो इबारत पेश की थी कि इसमें ये लिखा है कि हमारे नज़दीक उल्लू हलाल है। यानी ये तो सवाल करने वाला सवाल के तौर पर पेश कर रहा है कि हमारे नज़दीक उल्लू खाना हलाल है, ये बात फलां किताब में लिखी है। आला हजरत ने उसके जवाब में ये लिखा है कि ये जायज़ नहीं है, और यही दारुल उलूम देवबंद की साइट पर फतवा है, और उसमें भी इसी तरह दोनों किताबों का हवाला है। तो अगर साहिल को सवाल के अंदर जो चीज़ उसने पेश की है और बंदा उसको बतौर दलील पेश कर दे कि ये तो देखो आला हजरत ने लिखा है कि फतावा रजवे में उल्लू खाना हलाल है, तो इससे आप इस बंदे की जहालत का और इस बंदे की मुनाफिकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जवाब था ही नहीं इसने उसको जवाब बना के पेश कर दिया, और जो साहिल का सवाल था इसने उसे आला हजरत के खाते में डाल दिया, माज़ल्ला। अब ये गुनाह कबीरा जो झूठ है, गुनाह कबीरा का ये बंदा मुर्तकिब है, अब इसके ऊपर भी तोबा वाजिब है। अब देखना ये है कि इन देवबंद वालों में कितनी ईमान गैरत ईमानी होती है कि ये अभी झूठ और बहतान के लिए ऐलानिया अपने सब्सक्राइबर और अपने फॉलोअर के सामने तोबा करेगा या नहीं,
या ये अपनी मकर फरेब के ऊपर डटा रहेगा, ये चीज़ देखने की। रेफरेंस और किताब मैंने आपको फतावर रज़विया दिखा दी, जिसमें इसने तहकीक के नाम पर लोगों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर डाले। बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक लाइन और भी लिखी है कि बाज़ चीज़ों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बंदा अगर ये खाए तो उसका दिल सख्त होता है। आला हज़रत फरमाते हैं ठीक वैसे ही उल्लू खाने वाला इंसान से उल्लू बन जाता है। तो आला हज़रत ने इसको हलाल नहीं लिखा, किताब में एक हलाल है और वही किताब का हवाला देवबंद की साइट पर भी है कि उसका खाना हलाल है। सही है कि उल्लू खाना हराम है, और इस बंदे को आप कहें कि अब ये भी जो है ना तौबा करे आला हज़रत पे झूठ बांधने के लिए, और कितना बड़ा खुला झूठ इसने लोगों में फैलाया कि सवाल को इसने जवाब के तौर पे पेश कर दिया।